यहाँ पे मैं रिसीवर की डिस्प्ले की बात करूंगा जिस पे पैनल होता है ये बटनों का ये पुराना मॉडल है इस पे पाँच चेक लगे होते हैं सॉरी छः तारे लगी होती हैं ये देख लें इस पे ये लिखा हुआ सब कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको ये ग्राउंड आई आर एन सी डी ए टी ए सी एल के फाइव वोल्ट लास्ट पे इसका फाइव वोल्ट है और आप आपके पास ऐसा जैक हो जिस पे छः तारें लगी हों आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत है यही आपका डिस्प्ले आ जाएगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मेरे पास न्यू कार्ड है मैंने परचेज किया था इस पर कुछ भी नहीं मैंशन हुआ हुआ इस पर डायग्राम नहीं है आपने वैसे ही अपने पास से लगानी है तारें यहाँ पे मैं आपको पहले बताता तो जिस तरह ये जैक आप हाँ पकड़ लें यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है ठीक है इसके पॉइंट ऊपर की तरफ़ है आपने भी इसके पॉइंट ऊपर की तरफ कर लेने और यहाँ पे भी आप अंदर से भी खोल के इसको चेक कर सकते हैं जहाँ पे फाइव वोल्ट और ग्राउंड आ रहा है वो आप लगा दें जहाँ पे रमांड में आई आर सेंसर लगा होता है ऐसे यहाँ पे ये रमौंड का सेंसर लगा हुआ यहाँ पर आप इसको चेक कर लें इसका इसकी तीन तारें होती हैं रमांड के आई आर सेंसर जो सेंटर वाली वो ग्राउंड है और इस तरफ जो इधर है वो फाइव वोल्ट है आप वो भी चेक कर कर लगा सकते हैं और इधर इसकी आउटपुट है सेंसर की वो आपने यहाँ पे लगा देनी इधर मैं आपको बता देता हूँ चलो तो यहाँ पे आपका जैक ऐसे लग रहा है ठीक है आपको पता होना चाहिए ये ये, ये ऐसे होता है जैक ठीक है यहाँ पे इसका ये उधर है ये ग्राउंड है इसका ठीक है ये ग्राउंड है ये पहले वाला ये इस तरफ ना ये ग्राउंड है और ये फाइव वोल्ट है इस तरफ ठीक है जहा पे ये वोल्ट हो गया यार एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ ये टेंशन ये आपका फाइव वोल्ट है और ये इस तरफ ग्राउंड है ठीक है और इसका ग्राउंड मैं आपको बता दूँ ये सेंटर में है पांच पिन्हें होती हैं और इसका सेंटर में ग्राउंड होता है और इस तरफ आपका फाइव वोल्ट आपने दो तारे ये लगा दिए और सन दो ये इस फाइव वोल्ट के साथ ही आपका आई आर सेंसर का है वो आपका ये बनता है सेंटर में ये दूसरी पिन बनती है एक छोड़ देनी है आपने दूसरी को आपने पकड़ लेना ठीक है आपकी अभी तीन लग गई हैं तो बकाया आपके पास दो बची हैं और दो में से आपने एक ये सेंटर वाली छोड़ देनी है, जिस के अंदर छः तारें लगी हुई हैं ये जैक इसकी आपने एक दो और तीसरी पिन आपने नहीं लगानी है तार ठीक है आपको ज़रूरत ही नहीं है इसकी ये है इसकी को, एन सी की इसकी नहीं ज़रूरत आपको ठीक है आगे आपकी दो तारें बचती हैं पहले वाली तो आपने पहले लगा दी है ना फाइव वोल्ट पे बकाया आपके दो बच्ची हैं आपने यहाँ पे सीधी सीधी जिस तरह इधर लगी हुई है यहाँ पे दोनों उतार दें और यहाँ पे लास्ट पे आप दोनों लगा दें ठीक है उल्टी सीधी नहीं लगानी है जिस तरह आपने ऐसे जैक पकड़ा हुआ है आप ऐसे ही आपने इधर लगा देना ठीक है ये जैक का काट अंदर की तरफ है उसका भी काट अंदर की तरफ है ठीक है आपने इस तरह लगा देना ठीक है और यहाँ पे दोनों तारे, लास्ट वाली उतार देनी है ये यहाँ से बनती है आपके एक और दो और तीन चार पाँच ठीक है ये आपके डिस्प्ले ओके हो, हो जाएगी इस पर अभी ये एक तार मेरे पास फालतू है ये मैं आपको दिखा ਦेन ਤਾਰ ਇਹ ਤੁਝੇ ਛੋੜ ਦੋ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਲਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ